आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हाय गाइस, मैं आकाश। ये आज टाइपिंग का जो है थर्ड वीडियो थर्ड लेसन में दे रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। इससे पहले दो वीडियो अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया जी आपको कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो पहला थ्री वीक्स आपको ये जो बेसिक है, मिडिल रो, अपर रो, लोअर रो, इसको प्रैक्टिस करना है डेली हाफ एन आवर। इससे आपका हाथ जो है सेट हो जाएगा। इसको करने के बाद थ्री वीक्स करने के बाद आपको जो करना है दोस्तों, वो करना है आपको ABCD प्रैक्टिस करना है, जो है ABCDEFG पूरा जेड तक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वो फिर दो वीक्स आपको करना है, तो टोटल आपको फाइव वीक्स को इसको करने से आपका पूरा स्पीड, देखिए ये बेसिक, इसको स्किप मत कीजिए, इसको अच्छा से कीजिए। इसको अगर अच्छा से कर लेंगे तो आपका कभी भी स्पीड कम नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आप ये कर लिए मिडिल रो, अपर रो, लोअर रो कर लिए फर्स्ट वीडियो देख के, फिर आपको ABCD कर लीजिए सेकेंड वीडियो देख के। इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ आपको करना क्या है। देखिए ये अगर थोड़ा सा आपका अच्छा से प्रैक्टिस हो गया, ये 4 to 5 weeks में हो जाता है। अच्छा से प्रैक्टिस होने के बाद आपको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल लेटर लेना है, जैसे वर्ड्स लेना है, जैसे हमको सैड करना है तो ASAD सैड आपने किया, फिर छोटा छोटा जो है आपको वर्ड्स यहाँ पे टाइप करना है। कोई भी 3 letters 4 letters कुछ भी वर्ड्स ले लीजिए, उसको आप टाइप कीजिए। टाइप करके देखिए आपका उंगली जो है ये ठीक से आ रहा है कि नहीं, आप कर पा रहे कि नहीं। आप उसको स्क्रीन नहीं देखना है, आप एक A4 साइज में कोई भी पेपर में आप लिख लीजिए वर्ड्स वर्ड को, ठीक है। जैसे आपको सेट करना है तो SAD आपने सेट कर दिया, इट EAT इट करना है, रैट RAT रैट करना है, ठीक। तो ये आपको ये करना है, तो ये 3 letters 4 letters जो भी वर्ड्स है आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आपका कोई भी आपका जो हैंड है वो कहीं पे टच नहीं होना है, ठीक है। आप इसको टच नहीं करेंगे टेबल को, आपका हैंड जो है हमेशा हैंगिंग रहेगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए हैंगिंग में। अगर आपने ये टच करेंगे तो आपका स्पीड कभी भी नहीं बढ़ेगा, आप अगर हैंग रहेगा तो आपका स्पीड बहुत अच्छा बढ़ेगा। लास्ट में 50 words करने में बहुत स्पीड लगता है दोस्तों, तो कभी भी टच मत कीजिए, तो हैंगिंग में रखिए। अभी जो है आपको 2 words 3 words 3 4 letters जो भी है छोटा छोटा वर्ड्स प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम लोग को जो करना है, उसके बाद हम लोग को करना है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। जैसे आपको कैसे करना है, दा कर लिए, क्विक क्यू क्विक कर लिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग फुल स्टॉप। ये आपको प्रैक्टिस करना है, आपने वर्ड्स प्रैक्टिस करना है 2 3 letters 4 letters 5 letters 1 week कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और हाथ को हमेशा हैंग रहना है, ये आप करेंगे तो देखिए आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक्चुअल मेरा जो स्पीड है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, ठीक है। तो ये अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, इसको करने के बाद ये टोटल होने के बाद आप डायरेक्ट जो है पैराग्राफ में चले जाइए। आपको पैराग्राफ करना है, कोई भी न्यूज़पेपर से उठा लीजिए, बुक से उठा लीजिए, कहीं से भी क्या करना है, आप डायरेक्ट उसको पैराग्राफ से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैक्सिमम हिट्स मुझे चाहिए, मैक्सिमम लाइक्स मुझे चाहिए। और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।